क्या बदतमीजी, छोड़ो मुझे। तुम्हारे हक के लिए बात कर रही हूँ, क्यों नहीं करने दे रही मुझे? तुम्हें किसने कहा मेरे हक में बात करने के लिए? हाँ, किसने कहा? अभी मैंने कभी तुम्हारे अर्शद भाई के मामलात में दखल अंदाजी की है जो तुम इस तरह बोल रही हो? ये मेरा और राहील का मामला, इसे मैं जानू। और हाँ एक बात, ये जो तुम मेरे कंधे पर बंदूक रख के चला रही हो ना, ये हिस्से वाली बात जो तुमने की अंदर, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि तुमने क्यों की। मेरा हिस्सा मुझे मिलेगा तो तुम्हें भी तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा ना। लो भाई, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मैं अपनी बहन के लिए लड़ रही हूँ और मेरी बहन मुझे से लड़ रही है। वाह, तुम मेरी बहन हो लेकिन ये सिर्फ एक नाम का रिश्ता नहीं है, इसके पीछे खुलूस और बहुत बड़ी जिम्मेदारी छुपी जिसका तो तुम्हें पता ही नहीं। तुमने ये रिश्ता हमेशा अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, कभी मेरे लिए नहीं। तुम पागल हो गई, मुझसे लड़ रही हो? अगर तुमने मेरी नसीहतों, मेरी बातों पर अमल ना किया तो बहुत जल्द बर्बाद हो जाओ, फिर गिड़गिड़ाती रहना मेरी मदद के लिए। ऐसा कुछ नहीं, मैं अपने मसले खुद हल करना चाहती हूँ। जिस आग में तुम खुद को धकेल रही हो ना, बुरी तरह झुलस जाओगी, जिंदगी बोझ लगने लगेगी तुम्हें। देख लो, राहिल, सुमेरा के मां के इलाज के लिए पैसे तुमने दिए थे ना? जवाब दो मुझे, मैं कुछ पूछ रही हूं। ऑफिस के अकाउंट से 5 लाख तुमने निकाले हैं ना? अरे आगे बेटे। थैंक यू अम्मी। फौजिया दिखी थी मुझे। फौजिया कौन? अरे भूल गए, हिना की भाभी, हामिद की बीवी फाजिया। सच कह रही हैं आप? यही इन्हीं फ्लैटों में, खुद देखा मैंने। तो आपने देखा नहीं कि किस फ्लैट में गए? अरे बेटे मैं फ्लैटों की दुकान में कुछ लेने खड़ी हुई हूँ, 5 मिनट में जल्दी से वापस आई हूँ कि उसे देखूं। अल्लाह जाने कौन सी सीढ़ियों पर चढ़ गई, आंखों से ही ओझल हो गई। इसका मतलब है कि हामिद भाई भी इसी बिल्डिंग में है और हिना हामिद भाई के साथ है, तो हिना भी यही होगी। हाँ बेटे यही रहती है वो। अम्मी प्लीज मान जाए ना, उसने मेरा मान तोड़ा है। अम्मी वो बहुत शर्मिंदा है, आपका सामना नहीं कर सकता, उसके अंदर आने की हिम्मत नहीं है, बाहर लाउंज में बैठा है। एक गुत्थी सुलझती नहीं है तो दूसरा मसला आके खड़ा हो जाता है। भले अच्छे के लिए किया हो इसने, लेकिन बातें करने वालों को तो जबान मिल गई ना। जबान चलाने वालों को आप मौका ही क्यों देती हैं? क्योंकि मैं कमजोर पड़ रही हूँ और मुझे कमजोर करने वाले कोई और नहीं, मेरी अपनी औलाद है। जो कल मेरी ताकत थे वो ही आज मेरी बुनियादें हिलाने का सबब बन रहे हैं। मुझे आपसे बात करनी है। घबराइए नहीं, किसी भी ऐसे मौजू पे बात नहीं करूंगी जिस पे आप बात नहीं करना चाहते। मैं बस आपसे इतना ही कहूंगी कि जो कुछ आप कर रहे हैं उसका असर आपकी खुद की जाती फैमिली पर हो रहा है, और खासकर मम्मी ज्यादा मुतासर हो रही है। तो बेहतर है कि आप इस बात का ख्याल रखें। अर्शद भाई कौन से दूध के धुले, अर्शद भाई ने तो राहिल से भी बड़ी बड़ी गलतियां की हैं। अपनी गलती किसी को नजर नहीं आती ना। अगर अर्शद भाई को राहिल का अमल इतना ही गलत लगा था या उन्हें कोई शिकायत थी तो वो खुद राहिल से बात करते ना, उन्होंने अस्मा भाभी से क्यों कहा?
अम्मी ये मामला इतना नहीं बिगड़ता, सिर्फ और सिर्फ अस्मा भाभी की वजह से ये मामला इतना बिगड़ा। अम्मी इस घर में औरतों की सियासत चल रही है जिसमें आपको जबरदस्ती शामिल किया जा रहा है। समझती हूँ, सब समझती हूँ मैं। अस्मा भाभी तो बढ़ चढ़ कर राहिल की बुराइयां करती हैं आपसे। जब उसकी बीवी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कह रही है कि मैं खुद बात कर लूंगी, तो अस्मा भाभी को इतनी प्रॉब्लम क्यों है? अगर आप उससे बात नहीं करना चाहते तो मैं खुद जाके करती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, हुई है मेरी बात उससे। मुझे आपकी सफाई सुनने की जरूरत नहीं है। जो कुछ आप करते हैं सोचते हैं मुझसे पूछ कर नहीं करते, और ना ही मुझसे किसी बात में मशवरा लेते। मैंने भी सोच लिया कि आज के बाद आपके किसी मामले में दखल अंदाजी नहीं करूंगी, क्या कहूं? तुम कुछ समझने को तैयार ही नहीं हो। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको ना समझना ही अच्छा होता। मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी, बस इतना कहूंगी आपसे जो अम्मी के बारे में बातें कही उसका ख्याल रखिए। ओहो आ गए नवाब साहब, फूलों के हार पहनाने थे, अच्छे से इस्तकबाल करना था। बहुत अच्छा कारनामा करके आए ना तुम्हारे शौहर, देखो कैसे नूर बरस रहा है इसके चेहरे से। वैसे दुनिया की सारी अच्छाइयां ना इन पे खत्म हो जाती हैं। अपनों को छोड़कर राह चलते भिखारियों पर लाखों रुपए लुटा देते हैं ये। अभी मैंने आपसे कहा है कि हमारे मामले में दखल मत दीजिए। ओ रियली? मैं तुम्हारे किसी मामले में दखल अंदाजी नहीं कर रही, मैं अपने घर के मामले में कर रही हूँ। ऑफिस में मेहनत मेरे शौहर करें, और अय्याशियां ये साहब, पूछना चाहती हूँ मैं इनसे, मेरे शौहर की मेहनत की कमाई ये किस हक से उड़ा रहे हैं बताओ? हक और ना हक की बात आप ना ही करें तो अच्छा। इतनी बार समझाया है लेकिन राहिल भी जो है ना वो कुछ समझ नहीं आती उसको। अब ये सब करने की क्या जरूरत थी? यही तो भाई, अगर नेकी का काम करना है तो अच्छी बात है, लेकिन इस तरह थोड़ी। वो कहावत है ना कि जेब में नहीं धेला देखने चले हैं मेला। अपने खुद के हालात इतने तंग हैं, क्या जरूरत है इतने पैसे खर्च करने की, वो भी किसी को एतमाद में लिए बगैर। देखो अम्मी की नाराजगी बिल्कुल ठीक है, राहिल को समझाना चाहिए, मगर सुनता कहाँ है वो किसी की। हिना गई है राहिल को लेकर वहां, जाने दिया उन दोनों को, मेरा इंतजार तो कर लेगी। हामिद मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। आपको कॉल करी थी तो आपका नंबर बिजी जा रहा था। जब आपके शौहर ने मेरे बड़े भाई की मेहनत के पैसे जाया किए थे तब तो हम में से किसी ने ताने नहीं दिए और ना ही हक जताया। जिन पैसों के जाया होने की बात तुम कर रही हो ना, वो मेरे शौहर ने बिजनेस पर लगाए थे, दूसरों की तरह लड़कियों पे नहीं उड़ाए थे जिस तरह से इन्होंने उड़ाए हैं। भाभी अब आप अपनी हद से बढ़ती जा रही हैं। क्या हद से बढ़ रही हूँ मैं, सच कह रही हूँ। और वैसे भी जब छोटे अपनी हदों से बढ़ने लगे ना तो बड़े भी किसी हद के पाबंद नहीं रहते, आई समझ? भाभी आपके इस रवैये की वजह से घर का माहौल बहुत खराब हो रहा है। अरे वाह, तुम्हें कब से इस घर के सुकून की फिक्र होने लगी? वो वक्त भूल गई जब हम सबको मुश्किल में छोड़कर तुम सब भाग गए थे? हम भाग गए थे? हामिद भाई अपने सारे हक आप लोगों के लिए छोड़कर गए। क्या छोड़कर गए थे? कुछ भी नहीं छोड़कर गए थे सिवाय इस मसाइल भरे घर के और डूबते बिजनेस के। शत बेचारे आज भी उस डूबते बिजनेस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हजरत। अभी बस कर दो, खामोश हो जाओ। शाबाश बेटा, वैसे तुम भी एक ड्रामा हो, जब मेरे साथ होती हो तो मेरी हाँ में हाँ मिलाती हो, और जब इन सब के साथ होती हो तो इनकी हाँ में हाँ मिलाती हो। बहुत जल्दी भूल गए तुम अपने शौहर की करतूतों को। याद नहीं है तुम्हें जब ये उस लड़की के साथ अय्याशियां करता फिर रहा था तब तुम मेरे कंधे पर सर रख कर फूट फूट के रोती रही हो? किन से डर रही हो? इन सब से?
कोई भी नहीं था तुम्हारे साथ, मैं थी, तुम्हारी बहन, साथ दिया तुम्हारा, और आज तुम मुझे ही आंखें दिखा रही हो। भाई तो पहले ही लड़कियों के चक्कर में रहता था, अब बहन पता नहीं किन चक्करों में काम के बहाने बाहर जाती। आगे अफशा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पर हाथ उठाने की, बोलो। भाई ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, अस्मा भाभी ने हिना के बारे में जो बातें कही हैं, आप सुन लेते तो आप भी यही करते जो अफशा ने किया है। क्या कहा मैंने, क्या कहा मैंने, मैंने यही कहा ना कि अर्शद की बात मान ली होती तो आज हिना अपने घर में सुकून से होती, यूं गैर मर्दों में निकल के नौकरी ना करती। अभी खुदा के लिए कम झूठ बोलो, तुम्हें शर्म नहीं आती? बस करो, बस करो। मुझे अच्छी तरह पता है कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। अरे बड़ी भाभी है, उसके साथ इस तरह का सुलूक, तुम तीनों को शर्म नहीं आती? तुम तीनों मिलकर इस अकेली बिचारी के खिलाफ खड़े हो गए। भाई मेरी बीवी और मेरी बहन से इस तरह बात करने की जरूरत नहीं है, जिन्हें आप बेचारी कह रहे हैं ना, इनके करतूतों से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। चुप करो तुम बस। और ना तुम बताओ मुझे, तुम यहाँ इस घर में ये फसाद खड़ा करने आई हो? बस भाई, फसाद हिना ने नहीं, अस्मा भाभी ने खड़ा किया, लेकिन आपको तो नजर नहीं आता क्योंकि आप अंधे हैं। नजर आ रहा है मुझे, सब नजर आ रहा है। अरे अंधा नहीं हूं मैं, वो ही देख रहा हूं जो तुम लोग मुझे दिखाना चाह रहे हो, जो तुम लोग उसको दिखाना चाह रहे हो। आज तुम लोगों ने जो हरकत की है ना, वो ठीक नहीं की। इस थप्पड़ की गूंज हमेशा मेरे कानों में गूंजती रही। आज तक जिस रिश्ते की डोर के साथ मैं तुम लोगों के साथ बंधा हुआ था, डोर आज तुम लोगों ने काट दी है। ये तुमने क्या किया? वो ही किया जो बहुत पहले कर देना चाहिए था, तो शायद आतिम की जबान की धरती तेज नहीं होती कि हर रिश्ते को काटती चली जा रही है। पता नहीं ये सब क्या चल रहा है घर में, एक तरफ अम्मी, दूसरी तरफ उनकी औलाद। इतने मुश्किल से सोई थी, वो जब उठ जाएंगी उन्हें ये सब पता चले तो उन पर क्या गुजरेगी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, हम सब संभाल लेंगे। वैसे भी बहुत देर हो गई है, भाई और भाभी इंतजार कर रहे हैं। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ूंगा। अफशा मम्मी का बहुत ख्याल रखो, तुम परेशान मत हो। अफशा तुम कमरे में ही रहना। चलो मुझे ये दिन भी देखना पड़ेगा, मेरी अपनी बहन, मेरी सगी बहन ने मुझ पे हाथ उठाया। अब रोने का क्या फायदा, जिस वक्त उसने तुम पर हाथ उठाया था उसी वक्त उसको 4-5 थप्पड़ मार देती तुम। मेरे 10 थप्पड़ भी उसे वो चोट ना देते, उसके एक थप्पड़ ने मुझे चोट दी है। मेरी उम्र भर की इज्जत एक मिनट में उसने खत्म कर दी। अफशा कभी भी ऐसा ना कर, अगर राहिलो हिना उसे शहना देते, पता नहीं क्या चाहते हैं ये सब। खुद तो सुकून से वहां रह रहे, ना कोई टेंशन, ना कोई परेशानी, ना जिम्मेदारी। जानती हूं मैं इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। कौन है? तुम्हारी वो भाभी, हिना को भी पट्टियां वही पढ़ाती है, राहिल को भी। राहिल तो हर वक्त वहीं घुसा होता है, आज भी वहीं पे था। दूर बैठकर भी इस घर की डोर उन्हीं के हाथ में है, जिसको देखो बस उन्हीं के गुण गाता है, सबसे अपना मतलब निकलवाती है।
भीड़ लगाते हैं ना, मेरा तो टेंशन से बुरा हाल है। आओ बैठो। शुक्र है कि तुम आ गई। घबराहट के मारे तो मेरी जान ही निकले जा रही थी। तेरी क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है ना? आपने जो महसूस किया बिल्कुल ठीक महसूस किया। क्यों, क्या हुआ, खैरियत है? अम्मी ठीक है? जिस घर में अस्मा भाभी जैसी औरत होगी उस घर में कभी खुशहाली नहीं आ सकती। वो ये नहीं जानती जो आग वो लगा रही हैं, उसी आग में उनके खुद के हाथ झुलस रहे हैं। ऐसा क्या कर दिया अब उसने? वही जो उनकी छोटी बहन भी बर्दाश्त नहीं कर सकी। अफशा ने अस्मा भाभी को थप्पड़ मार दिया। क्या, ये कैसे हो सकता है? वो दोनों बहनें तो एक सिक्के के दो रुख हैं। जो कुछ भी उन्होंने तुम्हारे सामने किया है ना इना, वो सब ड्रामा होगा। नहीं भाभी, मुझे तो ड्रामा नहीं लगा। देख लेना, एक ना एक दिन ये हकीकत तुम्हारे सामने खुली जाएगी। दोनों बहनें इतनी तेज और चिलत्तर हैं कि हालात और बातों से सामने वालों को ऐसे उलझा देती हैं कि वो समझ ही नहीं पाता कि कौन सही है और कौन गलत है। पता नहीं भाई, इस टाइम मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप बताएं, हामिद भाई आ गए? हाँ आ गए, आज तो काफी थके हुए थे। तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रहे थे जब से तुम्हारे जाने का सुना था, बार बार तुम्हारा पूछ रहे थे, बस जैसे ही लेटेस्ट हो गए। मैं भी सोने जा रही हूँ। खाना तो खा लो। नहीं, दिल नहीं चाहता। ठीक है, आराम कर। तो आखिर तुम मुझे मिल ही गई, तुम मेरे इतने नजदीक थी और मुझे आज तक पता ही नहीं था। मुझे पता है आज जो कुछ भी हुआ है तुम उसकी वजह से बहुत परेशान, लेकिन ये सब कुछ तुमने जानबूझकर तो नहीं किया। अस्मा भाभी ने तुम्हें इतना मजबूर कर दिया कि बेख्तियार तुमसे ये सब हो गया। जो हुआ सो हो, इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, भूल जाओ। शायद ये सब कुछ भी आपकी वजह से। अगर आप मेरी और अम्मी की बात मानते तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। भूल जाने की बात कर रहे ना मुझे, जो कुछ आपने मेरे साथ किया सब कुछ भुला देना इतना आसान? जो कुछ आपने मेरे साथ किया उसकी तकलीफ मेरे दिल तक पहुंची और वो तकलीफ से दिल तक भी बढ़कर रूह तक गई। दूसरों को समझाना बहुत आसान होता है लेकिन खुद को समझाना बहुत मुश्किल। आपसे बेहतर कौन जा सकता? बेहतर यह है कि तुम सो जाओ, क्योंकि हम जितनी ज्यादा बात करेंगे उतनी ही उलझते जाएंगे और नतीजा सिर्फ बहस और लड़ाई है और मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं है। और हाँ, कोई मेरे बारे में क्या सोचता है
मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो कुछ मैं कर रहा हूं मेरा जमीर मुतमईन है, मेरा जमीर राजी है और शायद मेरा अल्लाह भी। सब रिश्तों का एहसास खत्म हो जाता है। हिना, तुम यहां कैसे? मैं अपना बच्चा लेने आया हूं। नहीं, ये मेरा बच्चा है, इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। सुना तुमने? इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। मैंने कहा ना मुझे मेरा बच्चा दो। अस्सलामुअलैकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटे, यहाँ क्यों ले आई नाश्ता? आपकी तबीयत ठीक नहीं थी ना अम्मी, इसलिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरी तबीयत को, चलो बाहर ले जाओ, सब इकट्ठे खाएंगे। सब कौन? बस आप और मैं ही तो हैं। क्यों, कहाँ गए सब? राहिल और अर्शद भाई ऑफिस चले गए, और आप ही नाश्ता नहीं करना चाहती हैं। क्यों, उसे क्या हुआ है? कोई बात हुई है क्या? तुमसे पूछ रही हूँ बेटे। बस मैं कुछ भी नहीं जानती अब्बू, आप जल्दी से आ जाएं यहाँ पर। अपनी बेटियों को छोड़कर वहां पर जाकर ऐसे बैठे हैं जैसे कभी आप यहाँ थे ही नहीं। बस मुझे नहीं पता, बताएं मुझे आप आ रहे हैं कि नहीं। इसका मतलब है आप नहीं आ रहे। ठीक है, आइंदा से आप भी मुझसे कोई अच्छाई की उम्मीद मत रखिएगा। ये मैं क्या सुन रही हूँ उस्मान? पता चल गया आपको? सुबह सुबह अखबार में खबर छप गई हिना के बारे में, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? अम्मी, मैं अपनी बात की तशरीह करते करते थक गई हूँ। जो समझना है आप समझे, अगर बुरा लगा है तो जो करना चाहती हैं कर लें, क्योंकि मैंने हकीकत कही है और मैं सच से पीछे नहीं हटूंगी। बस, अब एक लफ्ज और नहीं, बंद कर दो ये बकवास। मेरी बातें तो हमेशा बकवास लगती हैं। आपकी नजर में सब अच्छे हैं, मैं बुरी हूं। फर्क सिर्फ इतना है, मेरे दिल में जो होता है वही जुबान पे आ जाता है। जिस तरह की बातें तुम करती हो ना, उससे बहुत बेहतर है कि तुम उन्हें अपने दिल में ही रखो, क्योंकि इस घर में मैं किसी की भी किरदार कशी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरे लिए हिना की इज्जत भी उतनी ही अहम है जितनी तुम्हारी, समझी? जानती हूं मैं मेरी इज्जत कितनी अहम है। जो कुछ भी तुम लोग मेरे साथ कर रहे हो ना, इसका अंजाम तो भुगतना पड़ेगा। और अफशा बेगम, तुम्हें तो मैं देख लूंगी। आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। आंटी इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। डर किस बात का? इतनी देर हो गई है, कहीं। देखिए, कोई छोटा मोटा ऑपरेशन तो है नहीं, हार्ट सर्जरी है, और डॉक्टर्स अच्छे हैं, स्पेशलिस्ट हैं, रोज इस तरह के ऑपरेशन करते हैं। आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। अम्मी की तबीयत कैसी है अब? जी, अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन कामयाब रहा है। बस कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब आपकी अम्मी खतरे से बाहर।
मैं उनसे मिल सकती हूँ? नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, आप देख सकती, अभी कुछ घंटों बाद हम उनको सीसीओ में शिफ्ट करेंगे, तब आप दूर से थोड़ी देर के लिए उनको देख लीजिएगा। वैसे भी अभी वो अनकॉन्शियस ही रहेंगी, तो कुछ घंटे के लिए वो अंडर ऑब्जर्वेशन होंगे हमारे। थैंक यू डॉक्टर। मोस्ट वेलकम। फौजिया जी 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 आ गई होंगी, लीजिए कॉफी। थैंक यू। सुनो वो हिना को उठाया तुमने? उठा उठा कर थक गई, उठ ही नहीं रही है। मुझे तो लगता है इसका ऑफिस जाने का मूड ही नहीं है। क्या मतलब? अरे अभी तो जॉब लगी है उसकी, ऐसे कैसे चलेगा। अच्छा सुनो वो घर का बताओ, क्या हाल है वहां पे, क्या हो रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है हामिद कि हमने वो घर छोड़कर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ ली। एक वाहिद अम्मी थी जो सबको कह कह कर हर बात समझाती थी, जताती थी। अब अम्मी की वो उम्र नहीं है कि वो स्ट्रेस ले सके मजीद। हर कोई उनकी बात को सुनकर सुनी अनसुनी कर देता। पहले आप थे, मैं थी, घर के हम बड़े थे, हमें अम्मी की सपोर्ट थी, सबके सरों पर रोब था हमारा। और अब देखे वहां जाकर हर कोई अपनी मनमानी कर रहा है। नहीं फौजी ऐसी बात नहीं है, तुम बिलावजह फिक्र कर रही हो। ऐसी ही बात है हामिद, आपने अस्मा को नहीं देखा, कहां अम्मी के सामने उसकी हलक से आवाज नहीं निकलती, और अब देखे हलक फाड़ फाड़ के अम्मी के सामने बात करती है वो। मुझे आप एक बार इजाजत दे दे वहां जाने की, सबके दिमाग दुरुस्त कर दूंगी फिर मैं। तो तुम्हें लगता है कि ये सब करने से सब ठीक हो जाएगा? नहीं फौजी, इससे मामला और बिगड़ जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं, मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहूं, इसी तरह अम्मी की तजलील होती देखती रहूं? फौजी ये जो तुम अम्मी की तजलील की बात कर रही हो ना, इनमें से किसी की इतनी औकात नहीं कि मेरी माँ की तजलील कर सके। इतना ऊंचा कद है मेरी माँ का, इन बोनों की बातों से मेरी माँ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी इज्जत पे कोई फर्क नहीं आएगा। और तुम एक बात बताऊं, देख लेना वक्त बता देगा, अल्लाह इन सबको जलील करके रख देगा। सुन जाओ वो जाके इना को उठाओ, मुझे उससे बात करनी है, फिर मुझे ऑफिस के लिए भी निकलना है। ना फिक्र करो इन बातों की। बड़ा खुश है मेरा बेटा है? बिल्कुल सही कहा, आज मैं वाकई बहुत खुश हूँ। अच्छा अल्लाह मेरे बेटे को ऐसे ही हमेशा खुश रखे, माँ को नहीं बताओगे क्या बात? ये तो आप गैस करें। है ना मिल गई। अरे वाह अम्मी, बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। मेरे बेटे की एक ही तो खुशी है जिंदगी की, कहाँ है, कहाँ है ना, मुझे अभी के अभी उसके पास लेके चल। अरे अम्मी सबर सबर, हौसला करें, पहले तो हमें ये सोचना है कि उन सबको हमारी बात पे यकीन कैसे दिलाया जाए। हम सबकी नजरों में झूठे हैं, सबको कैसे मनाया जाए? नहीं खालिद, तुमने बात की थी ना, मैंने तो बात नहीं की अभी तक ना। मैं जाऊंगी, मैं बात करूंगी, मुझे पूरा यकीन है वो मेरी बात जरूर अभी। अच्छा अम्मी आप बैठे मैम, गौर से मेरी बात सुने। अम्मी के लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने इससे बुरे इससे बड़े वक्त आते देखे हैं, पहाड़ जैसे मसाइल टूटते देखे हैं मैंने, लेकिन उन सब में से अम्मी को संभलते देखा। लेकिन भाई अम्मी में अब वो हौसला वो हिम्मत नहीं रही, मैंने खुद उन्हें टूटता हुआ महसूस किया। देखो तुम परेशान मत हो। अच्छा चलो एक काम करते हैं, मैं अम्मी से फोन पे बात कर लेता हूँ, बल्कि मैं जाके अम्मी को मिल लेता हूँ अब, ठीक है? अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ कि ऑफिस क्यों नहीं जा रही हो तुम? देखो इतना तो मैं तुम्हें जानता हूँ कि ये सब बातें तुम्हारे ऑफिस ना जाने की वजह नहीं हो सकती। कुछ हुआ है क्या ऑफिस में, किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? नहीं भाई वो बस ऐसे ही। देखो मुझे सही से बताओ, बॉस ने कुछ कहा, किसी और ने कुछ कहा है तुम्हें? नहीं भाई किसी ने कुछ नहीं कहा। तो फिर
मेरा वहां दिल नहीं लग रहा, मैं कहीं और अप्लाई करूंगी, मुझे वहां कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। ये जॉब करने का फैसला तुम्हारा अपना था। देखो जब प्रोफेशनल जिंदगी में जाते हैं ना तो मैच्योरिटी चाहिए होती है, दिमागी मैच्योरिटी चाहिए होती है। अगर कोई ऐसी वैसी चीज आए तो उसको हैंडल करना सीखना पड़ता है। खैर तुम्हारी अपनी मर्जी थी ये जॉब करने की, अगर तुम नहीं करना चाह रही हो ये जॉब तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा, लेकिन अगर कोई ऐसी माकूल वजह नहीं है तो मेरे ख्याल में तुम्हें इस जॉब को जारी रखना चाहिए। मतलब मर्जी तुम्हारी है, जो तुम्हें बेहतर लगे। ये लीजिए जनाब। ये क्या है जी? आपका खाना, और लंच टाइम पे मैं आपको कॉल करूंगी। सारे काम छोड़ के आपने सिर्फ लंच करना है। जो आपका हुक्म जी। कुछ भी कर रहा हुआ छोड़ के पहले खाना खाऊ। आप यहाँ पे क्या कर रही है? देखिए मेरी बात सुनिए, हमने बड़े अरमानों और बड़े चाह से अपनी बहन आपको दी थी। कौन सी ऐसी तकलीफ है, कौन सा ऐसा सुल्म है जो आपने उस पे नहीं किया? बेटे एक दफा मिल ले, हिना से मिलके कुछ गलत फहमियां दूर करना चाहती। आप हिना से नहीं मिल सकती, और अब अगर आपने या आपके बेटे ने मेरी बहन को जरा पर भी तकलीफ दी ना तो मैं वो एक्शन लूंगा आप याद रखेंगी। तुम्हारे हाथ जोड़ दो, एक दफा मुझे उस बच्ची से मिल लेने दो, तुम्हारी मेहरबानी होगी बेटे। मैं आपका बेटा नहीं हूँ, प्लीज जाइए यहाँ से प्लीज, इससे पहले कि मैं अपने हाथ आप पहुंच जाऊं। जाइए। अगर वो तुमसे मिलना चाहता है तो यकीनन इसके पीछे कोई ना कोई वजह है। हो सकता है उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, तभी वो तुमसे मिलना चाहता हो। लेकिन भाभी तलाक देने के बाद इस एहसास का क्या फायदा? फिर भी कोई ना कोई तो बात जरूर है ना जो दोबारा तुम्हारा पीछा कर रहा है। हाँ मैं जानती हूँ, मेरा बच्चा। तुम्हारे बच्चे की उसे बिनक तक नहीं है। जो घर ढूंढकर यहाँ तक आ गया है वो कुछ भी कर सकता है, जरूर उसे बच्चे के बारे में पता चल गया होगा। वो लोग पहले से यहीं रह रहे। क्या कहा आपने? लेकिन आपको ये कैसे पता? मैंने कई बार खजाला आंटी को यहीं से गुजरते हुए देखा है। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि कहीं तुम डिप्रेशन में ना आ जाओ। उन लोगों ने हमारे घर से किसी को आते जाते देख लिया होगा और घर का पता चल गया होगा। मैं क्या करूं? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि वो लोग अपने घर को छोड़कर यहाँ क्यों रह रहे हैं। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरी तरफ से वो जहन्नुम में जाए, लेकिन उन लोगों का मेरे आस पास रहना मेरे और मेरे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। अच्छा तुम परेशान मत हो, प्लीज कोई टेंशन ना लेना, मैं हामिद से बात करती हूँ। मुझे पहले ही डर था कि आप मामला खराब करके आएंगी। मैंने आपको क्या समझाकर भेजा था? कराई ना आप हामिद भाई को नाराज। नहीं बेटे, मैंने तो एक बात भी नहीं की, उसने तो मेरी बात सुनी ही नहीं। मैं मान ही नहीं सकता, जरूर आपने ही कुछ कहा होगा जिसकी वजह से। कैसी बातें कर रहा बेटे, मैं क्यों कुछ कहूंगी? मैं तो खुद चाहती हूँ मामला ठीक हो जाए, तुम्हारा घर फिर से बस जाए। तुम्हें अगर मेरी बात का यकीन नहीं, मैं तुम्हारे सर की कसम खा के कहती हूँ, मैंने एक लफ्ज़ मुंह से नहीं निकाला, कुछ भी तो नहीं कहा मैंने। अच्छा ठीक है, ठीक है अम्मी, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, ऐसा क्या रास्ता निकालूं जिससे उनको यकीन आ जाए कि मैं बेगुनाह हूं।
भी मैं इतना बेबस हूं कि वो मेरे इतने करीब है और मैं उसे मिल नहीं सकता। नहीं बेटे, अल्लाह की जात से कभी भी नाउम्मीद नहीं होती। तुम देखना, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, है ना, तुम्हारे पास वापस आएगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थकन हो गई हो? अफशा, एक कप चाय पिला दोगी प्लीज? काफी थक गए हैं। मैं भी मसरूफ हूँ, थोड़ी देर में बनाती हूँ। क्या बात है, मूड ठीक नहीं? हाँ, आपको कब से मेरे मूड की फिक्र होने लगी? राहिल एक औरत ना सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने शौहर को बांट नहीं सकती। अफशा, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? अफशा, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूं। लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं मुझे परवाह नहीं है। कम से कम तुम्हें तो मुझ पर भरोसा होना चाहिए। ऐसा हो सकता, लेकिन आप अपना भरोसा खो चुके हैं। दुआ मही से होता है जहां आग लगती है, आप हकीकत को नहीं जुटला सकते। जहां एतमाद खत्म हो जाए वहां बहस का कोई फायदा नहीं।